मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। सिंगरौली की खोखरी नदी पुल पर तकरीबन 3 फीट पानी चढ़ गया है। इसी पुल को पार करने में 2 युवक पर जान पर आ गई। बीच पुल में फंसते ही दोनों युवक बहने लगे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से दोनों युवकों की जान बच गई। सिंगरौली जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। जिले में जगह जगह अतिवृष्टि से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नदी नाले पुल पार कर रहे हैं। जिले में करोड़ों रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होने के बाद भी ना तो सड़क बनाई जा रही है और ना ही पुल बनाए जाते हैं। अधिकतर देखा गया है कि सड़कें पुल चुनाव के वक्त ही नेताओं को याद आते हैं और नेता जनता से चुनाव होते ही बनवाने की बात भी कह देते हैं, मगर चुनाव भी लौट आते हैं, नेता भी वोट मांगने लौट कर आ जाते हैं, नहीं याद आता तो जनता से किया हुआ वादा। यही वजह है कि लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। भारी बारिश से 2 लोगों की जिंदगी कुछ देर के लिए मुसीबत में पड़ गई, लेकिन पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में बहते हुए दोनों युवकों को बचा लिया। दरअसल यह मामला जिले के माड़ा थाना अंतर्गत बंधौर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। बंधौरा चौकी के पास ही खोखरी नदी पुल पर करीबन 3 फीट पानी चढ़ गया है, जिस पर पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग करके व्यवस्था की जा रही थी कि उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति बैरिकेटिंग को पार करते हुए बीच पुल में पहुंच गए और फंस गए। उनकी जान जोखिम में आ गई। पुल के दोनों ओर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए आगे नहीं आया। चौकी प्रभारी प्रियंका मिश्रा को जैसे ही घटना की जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल ही चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों को बचाव हेतु भेज दिया। उपनिरीक्षक एम खैरवार, आरक्षक प्रवीण तिवारी, रवि नंदन तोमर और विनय दोहरे पानी में उतरे और दोनों व्यक्तियों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ऐसे जांबाज पुलिस कर्मियों को दखल न्यूज सलाम करता है। लगभग 2:30 बजे करीब की घटना है और यहाँ पे खोखरी रपटा है, तो उसके ऊपर से पानी चलने लगा था और हम लोगों के द्वारा बैरिकेड व्यवस्था की गई थी। फिर भी 2 व्यक्ति बाइक सहित अंदर आ गए थे पुल के और उनके वो एकदम बहने ही लगे थे। हम वहीं सब उपस्थित थे, तो हम लोग काफी अंदर तक गए और हमारा पुलिस स्टाफ RM खैरवार साहब SI और रवि नंदन तोमर, विनय दोहरे, प्रवीण तिवारी और हम सभी अंदर जाकर के उनको बाहर लेकर के आए। फिलहाल दोनों सकुशल हैं, बाइक सहित उनको निकाल लिया गया और अभी पुल में पानी भी कम हो गया है। आवागमन अभी हम लोगों ने रोका हुआ है, बैरिकेटिंग करा दी गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।